यहाँ कागज के वृत्ताकार टुकड़े से वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करेंगे। ये एक वृत्ताकार कागज का टुकड़ा लिया है जिसमें एक तरफ पीला और एक तरफ हरा कर दिया है। इसको 16 टुकड़ों में इसको आपको बराबर टुकड़ों में बांटना है। इस तरह से 16 बराबर टुकड़े आपने काट लिए। देखिए 8 दोनों तरफ हरे और एक तरफ हरा एक तरफ पीला है ये, तो 8 इस तरह सेट करने हैं आपको कि 8 हरे और 8 पीले इस तरह सेट कर लीजिए वृत्त में। देखिए वही वृत्त बन गया ना, इसको सेट कर लिया। अब इसको कुछ इस तरह सेट किया, देखिए देख रहे हैं, उसी को काटकर वृत्त को काटकर बनाया था। तो इस वृत्त की परिधि कितनी थी, 2πr, देख रहे हैं। अब देखते हैं कि जो आपने कागज के टुकड़े नीचे पीले हरे सेट किए हैं इनकी लंबाई कितनी है, है ना, आधार कितना देखेंगे। ये इसको घुमा रहे हैं, देखते हैं कितना दूरी तय कर रहा है, ये आधी दूरी तय की इसने। तो इसका मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, पूरा का क्या था 2πr, तो 2πr का आधा कर देंगे। 2πr का आधा कितना होगा, πr होगा, ये πr। और इसकी ऊंचाई देख लीजिए कितनी है, ऊंचाई कितनी है, r, r है ना, त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना होगा, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना था, आधार आपने निकाला था πr, हाँ πr निकाला था, πr। और ऊंचाई कितनी निकाली थी, ऊंचाई आपने r निकाली थी, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, उत्तर आएगा आपका πr स्क्वायर। कितना आएगा, πr स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, πr स्क्वायर।